पर्युषणा तो हर साल आते हैं, लेकिन हाउ टू मेक अ गुड पर्युषणा, पर्युषणा गुड कैसे हो, क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा जीवन में लाया जाए, क्या ऐसा जीवन में उतारा जाए, कौन सी चीजें हमारे जीवन में आए तो निश्चित तौर पर पर्युषणा हमारे गुड हो सकते हैं। वरना मैं हर रोज कहता हूं हर साल पर्युषणा आते हैं और चले जाते हैं, हम तो वैसे के वैसे। शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि नहीं, पर्युषणा में इंप्रूवमेंट करना है। शायद पूरे साल में तू प्रगति नहीं कर पाया, प्रोग्रेस नहीं कर पाया, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया, लेकिन पर्युषणा महापर्व का अवसर ऐसा है जहां निश्चित तौर पर तुझे इंप्रूवमेंट करना है। इसलिए तीन चीजों की बात करी कि समझ लेना हाउ टू मेक अ गुड पर्युषणा, पर्युषणा को गुड कैसे बना। कहा कि तीन संदेश लेकर के पर्युषणा महापर्व हमारे बीच में आता है और हमें शिक्षा देता है, हमें सूचना देता है, हमें सिखाता है कि यदि पर्युषणा को गुड करना है तो तीन गुड चीजें आपके जीवन में होने चाहिए, तीन गुण आपके जीवन में होने चाहिए, तभी जाके पर्युषणा आपके लिए गुड होगी। कहा नंबर वन, गुड लिसनर, आपके भीतर ये क्वालिटी हो, आपकी सुनने की क्षमता। आजकल आप लोगों की सुनने की क्षमता खत्म, आप तो तैयार हो सामने वाला बोले उसकी वाणी पूरा करे, उसका वचन पूरा करे, उसके पहले हम तो तैयार ही बैठे हैं प्रत्युत्तर देने के लिए, तैयार ही बैठे सुनाने के लिए। और इसीलिए कहा कि आज का आदमी दुखी क्यों है, क्योंकि वो सुनता कम है और सुनाता ज्यादा है, सुनते कम हो। लेकिन कहते हैं कि पर्युषणा महापर्व को यदि गुड बनाना है तो पर्युषणा महापर्व ये पहला संदेश देता है, गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाले। आपको पता है जीवन में मैं कहता हूं दो तीन एड्रेस ऐसे हो जिसकी कम से कम हम सुने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी अवसर हो, लेकिन दो तीन एड्रेस ऐसे हो जहां अपील दलील ना हो, मात्र मात्र सुनने का काम हो। आपको मैं बता दू, सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहा हो, 99 रन का उसका स्कोर हो और एम्पायर उंगली उठा दे, सचिन को पता है कि शायद वो नॉट आउट, पूरे ग्राउंड में बैठे हुए 50,000 लोगों को पता है कि सचिन नॉट आउट है, लेकिन अंपायर उंगली उठा दे तो सचिन क्या करता है, रहता है या चला जाता है, चला जाता। गुड लिसनर आप रे, जिसको जीवन में अंपायर बनाया, ओ दुनिया चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन उसका सुनना यदि हमने चालू कर दिया तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं पर्युषणा महापर्व तीन संदेश लेकर के आते हैं, हाउ टू मेक अ गुड पर्युषणा। पर्युषणा तो हर बार आते हैं, लेकिन गुड पर्युषणा कैसे हो, जब हम पहले नंबर में गुड लिसनर बने। आपको पता है श्री कृष्ण ने पांडवों को भी सुनाया और कौरवों को भी सुनाने की कोशिश करी, लेकिन कौरव सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए बाजी हार गए, और पांडवों ने सुन लिया इसलिए बाजी जीत गए। सुनने का बड़ा महत्व हमारे यहां पे बताया गया है। जब रामायण का युद्ध होना था तब विभीषण भी समझाने गया था रावण को कि तू रहने दे, युद्ध नहीं करना है, लेकिन उसने सुना नहीं। और इसलिए मैं आपको संदेश देता हूं, ये पर्युषणा महापर्व हमें संदेश देते हैं कि बी अ गुड लिसनर, हम अच्छा सुनने वाले बने। जीवन में एक दो व्यक्ति हमारे ऐसे हो जिसका निश्चित कम से कम हम सुनते हैं। नंबर टू, गुड थिंकर, अच्छा सोचने वाले बने। हमारी सोच अच्छी हो ये बड़ा जरूरी। अभी अभी का उदाहरण देता हूं आपको, सोच क्या कमाल करती है। पर्युषणा महापर्व के पहले दिन मैंने कहा कि एकासना तप में नहीं आता, वो पारने में आता है। उसी दिन दो व्यक्ति मुझे मिले, एक ने कहा कि गुरुदेव आपने कहा कि एकासना पारने में आता है, तो गुरुदेव के पास जाकर के मैंने पचकान कर लिया कि आज एकासना नहीं, आज आयम्बिल करना है। देखो सोच का फर्क। और दूसरा एक व्यक्ति मुझे मिला कि गुरुदेव आपने कहा कि एकासना पारने में आता है, तो मैंने सोचा एकासना करो कि नौकार सी पारना ही है, तो मैंने नौकार सी कर ली। एक एम्बिल भी हो सकता है, एक नौकार सी भी हो सकती है। वचन तो दोनों के कानों पे वही पड़े थे, बात तो दोनों तक वही पहुंची थी, लेकिन एक का मन उसको एम्बिल के ऊपर लेकर गया, एक का मन उसको नौकार सी में लेकर के आया। यह है सोचने की ताकत। और इसलिए मैं कहता हूं गुड थिंकर, अच्छा सोचने वाले।
जीवन को बदलना है, जीवन को परिवर्तित करना है, जीवन में बदलाव लाना है, जीवन में कहीं ना कहीं चेंजेस आप अनुभव करना चाहते हो तो अच्छा सोचना पड़ेगा। सोच हमारी जैसी होगी वैसा हमारा जीवन होगा, सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। और मैं तो कई बार कहता हूं, आज का आपका जीवन और कुछ नहीं है, आपकी सोच का परिणाम है। आपने जैसा सोचा था वैसा आप बन गए, और आज भी जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूं गुड थिंक। परिश्रम महापर्व दूसरा संदेश लेकर के आता है अच्छा सोचने वाले, और तीसरा संदेश परिश्रम महापर्व का है। पहला संदेश गुड लिसनर, दूसरा संदेश गुड थिंकर, और तीसरी बात करते हैं तीसरा संदेश गुड फॉरगिवर, छोड़ने वाले। हम दुखी इसलिए है क्योंकि हम पकड़ने वाले। किसी की बात को पकड़ना, किसी के शब्द को पकड़ना, किसी के व्यवहार को पकड़ना, कोई भी चीज को पकड़ना, हम पकड़ने में हम मानते हैं। लेकिन गुरु प्रेम ये कहते थे कि समझ लेना जीवन में सुखी होने का एक ही सूत्र है, जिस दिन आपकी भावना लेट गो की बनते जाती है, जिस दिन आपकी भावना छोड़ने की बनती जाती है, उस दिन निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं जीवन में जीत हासिल करते हैं। बी अ गुड फॉरगिवर, हम छोड़ने वाले। एक बात समझना, धागे में यदि गांठ लग जाए तो सुई के लिए वो धागा काम का या बेकार? बेकार होगा, समझ लेना। गांठ बड़ी खतरनाक चीज है, और इसीलिए कहा कि एक क्षमा पर्व परिसरा महापर्व का प्राण है, क्षमा देते चलो, क्षमा लेते चलो, क्षमा मांगते चलो, क्षमा रखते चलो। और इसीलिए कहा कि धागे में यदि कहीं गांठ लग जाए तो वो धागा सुई के लिए बेकार हो जाता है। आपने शायद देखा होगा गन्ना पूरा मीठा होता है, लेकिन जहां गठान होती है वहां पे वहां कोई स्वाद होता है? गन्ना पूरा मीठा होता है, लेकिन जहां पर गठान होती है वहां पे वो बेस्वाद हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि मन में गांठ रख के जीवन जीते हो तो जीवन भी बेस्वाद हो जाएगा, जीवन भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको आज के दिन बताता हूं, आज परिश्रम महापर्व का तृतीय दिन है, और तीसरा दिन ये परिश्रम महापर्व का तीन संदेश हमारे सामने लेकर के आता है। समझ लेना हाउ टू मेक अ गुड परिश्रम। परिश्रम तो हर साल आते हैं, लेकिन गुड परिश्रम कैसे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये तीन संदेश परिश्रम महापर्व के गुड लिसनर, दूसरे नंबर में गुड थिंकर, और तीसरे नंबर में गुड फॉरगिवर, ये तीन संदेश यदि हमारे जीवन में आए तो समझ लेना परिश्रम महापर्व हमारा सार्थक। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।